हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये कहता है कि कोई भी, अगर देखिए आपका एटम है, एटम में सेंटर में होता है बेटा न्यूक्लियस, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके चारों तरफ हम दिखाते हैं शेल। जैसे पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सर्कल से मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं छोटे सर्कल से। उससे अगली शेल में हम दिखाते हैं कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर उससे आगे ऐसे शेल्स चलती जाती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं सोडियम की बात करूं, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम। तो ये कहता है कि न्यूक्लियस पे अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अब जब ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूक्लियस तक जाने के लिए इसके रास्ते में देखिए क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शंस होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होते हैं। तो एक न्यूक्लियस जो है इफेक्टिवली किसी इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ खींच पाता है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उस चीज को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं कि इफेक्टिवली कोई न्यूक्लियस कितने चार्जफुली किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाता है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ये कहते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हैं। क्यों अट्रैक्टेड हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन साथ के साथ एट द सेम टाइम दे आर रिपेल्ड, रिपल्शन भी हो रही है। एट द सेम टाइम दे आर रिपेल्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। साथ के साथ क्या होता है बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना एटम के अंदर, ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी मैंने बताया था, ये क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इज द एवरेज न्यूक्लियर चार्ज, इज द एवरेज न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय एन इंडिविजुअल, फेल्ट बाय एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एक इलेक्ट्रॉन ने इंडिविजुअली कितना एवरेज न्यूक्लियर चार्ज फील किया, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसको फील करने के लिए हम बीच में जो ये रिपल्शन वाला फैक्टर है ना, इसको भूल नहीं सकते, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, उसको जरूर कंसिडरेशन में लेना है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इस बात का क्या मतलब है, देखिए ये कहता है कि न्यूक्लियस पूरे फोर्स के साथ जो है सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आने नहीं दे रहे न्यूक्लियस के पास,
क्योंकि इन पे सब पे नेगेटिव चार्ज है और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक शील्ड का, शील्ड मतलब ढाल, ढाल का काम कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उसको सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिवली लगने ही नहीं दे रहे, बीच में ही आके खड़े हो गए हैं। भाई हमें पार करके कैसे जाओगे, हम तुम्हें रिपेल करेंगे क्योंकि हम पे भी नेगेटिव चार्ज है, तुम पे भी नेगेटिव चार्ज है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहेंगी, हम तुम्हें रिपेल करेंगे। और न्यूक्लियस का चार्ज वो इतना इफेक्टिवली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगने देते, वो ढाल बन के बीच में खड़े हो जाते हैं, शील्ड बन के बीच में खड़े हो जाते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम इनर शेल इलेक्ट्रॉन, कि इनर शेल अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ढाल का काम कर रहे हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं लगने दे रहे, तो इस चीज को हम बोलते हैं। तो हम ये शील्डिंग इफेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि न्यूक्लियस तो अपनी तरफ से पूरा चार्ज लगा रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली शील्डिंग इफेक्ट को सब्स्ट्रैक्ट करने के बाद बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का कितना इफेक्टिवली चार्ज लग पा रहा है एक्चुअल में, वो होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए उसको निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं, एक 9th-10th की क्लासेस में सिंपल सा तरीका सिखाया जाता है, पहले तो वो सिंपल ही हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल तरीका कौन सा है। ये कहता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन in the n is equal to 3 shell of sulfur. Sulfur की third shell में आपने निकालना है कि effective nuclear charge कितना लग रहा है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक simple सा formula जो junior classes में पढ़ाते हैं, वो होता है effective nuclear charge, ये z effective से मैंने दिखाया है, effective nuclear charge is equal to, वो किसके इक्वल होता है, z minus s. z क्या होता है आपका, number of protons, क्योंकि nucleus के अंदर जितने number of protons होंगे उतना ज्यादा positive charge होगा, उतना ज्यादा nucleus pull करेगा electrons को अपनी तरफ। और s क्या है बेटा, shielding effect, कि अंदर की shell वाले जो electron है वो कितनी shielding कर पा रहे हैं, उसको हमें सब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। तो अब जैसे इसने बात की आपसे सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने निकालना किस पे है, थर्ड शेल पे निकालना है। थर्ड शेल पे अब ये कहता है कि आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, अगर इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आप निकाल रहे हो कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का। तो सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटोन 16 है। जो भी उसका एटॉमिक नंबर हो आप सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही पुट कर देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो अब ये कहते हैं कि इसमें से शील्डिंग इफेक्ट, अब भाई थर्ड शेल में तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो उसको शील्ड कौन कर रहा है, अंदर वाले शेल वाले, उससे अंदर जितनी भी शेल है वो वाले इलेक्ट्रॉन ही तो रिपेल करेंगे। तो अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो अंदर वाली शेल के 10 इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, नहीं लगने दे रहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो ये है थर्ड शेल के लिए जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, सल्फर के केस में ये कहता है उसकी वैल्यू 6 आएगी। एक और फटाफट एग्जाम्पल कराती हूँ। दूसरा ये कहता है कि देखिए, अगर ये कहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन इज इक्वल टू
टू शेल ऑफ क्लोरीन, इसमें क्या होगा? तो ये देखिए, अब आपको उसी फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करना है तो हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, 287 फॉर्मूला है हमारे पास। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, S शील्डिंग इफेक्ट। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, इसमें ये आपको कह रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब वो सेकेंड शेल में है। सेकेंड शेल, सेकेंड शेल मतलब ये देखो, ये जो है आपकी, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल और ये है थर्ड शेल। तो अब न्यूक्लियस है फर्स्ट शेल में, ये कह रहा है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो फटाफट, अब मैं इसको एक बार बताती हूँ। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, 1, 2। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी शेल के किसी इलेक्ट्रॉन पे हमने निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उससे बाहर वाली शेल में ऑल्दो ये कह रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये मैंने दिखा दिया आपको 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है, जीरो रोल। ठीक है, क्यों कोई रोल नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ये बीच में शील थोड़े कर रहे हैं, ये तो बेचारे बाहर पड़े हैं, इनको कोई लेना देना ही नहीं, ये का रोक रहे हैं उसको, जा भी तू, तू अंदर है पहले तू ही जा, हमारे तो नंबर बाद में आएगा। तो इसलिए बाहर वाली शेल वालों का तो कोई रोल ही नहीं होता। अब सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन पे आपने निकालना है तो उसके अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेंगे। तो उसको कौन से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? ये जो अंदर वाली शेल में दो इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो उसका जेड जो है एटॉमिक नंबर कितना, 17। उसको शील्ड कौन कर रहा है अंदर वाली शेल में? दो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में है सेकंड शेल वालों को। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया, 15। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि वो कौन सी शेल में पूछ रहा है। ये नहीं कि एटॉमिक नंबर में से जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है आप सबको सब्स्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं चलता होता है। अब ये था जूनियर क्लासेस के लिए। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी बीटेक बीएससी एमएससी लेवल की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना बेटा पॉइंट्स में भी निकालना आता है, बहुत एक्यूरेटली निकालना हो, बहुत एक्यूरेटली अगर निकालना हो तो उसके लिए एक रूल होता है आपका स्लेटर रूल, उससे आप निकालते हो। ये तो ना जूनियर क्लासेस तक ठीक है जो मेथड अभी हमने किया था, बिल्कुल पॉइंट्स में एग्जैक्टली निकालने के लिए क्या है, स्लेटर्स रूल फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया हमारा स्लेटर रूल। ये बताएगा कैसे निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये पहले रूल बताती हूँ कि ये रूल क्या कहता है। ये कहता है सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ऑफ द एटम इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना वो कुछ इस तरह से लिखनी है, मतलब शेल वाइज, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी। जैसे वन शेल वालों को एक जगह रखा हमने एक कैटेगरी में, एस और पी को भी हम एक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सेकंड शेल में एस भी है, 2s 2p, उसको एक कैटेगरी में रखा। अब थर्ड शेल में हमारे पास 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है, लेकिन हम एस और पी वालों को एक कैटेगरी में रखते हैं और डी वालों को अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो 3d की एक अलग कैटेगरी बना दी, डी और एफ वालों को अलग रखेंगे, एस पी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद हमारी कौन सी आएगी, उसके बाद हमारी 4s आ जाएगी। तो 4s और 4p को एक कैटेगरी में, और जो 4d आएगा अब वो भी अलग रखना है, वो इनके साथ मिक्स नहीं करना। 4d की अलग कैटेगरी, 4f की अलग कैटेगरी, ऐसे 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 चलाते जाओ। अब आप क्या करोगे, सेकंड रूल ये कहता है कि जिसका आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, जिसका आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस इलेक्ट्रॉन को आप आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद क्या करो, एंड इग्नोर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स
इन द हायर ग्रुप, उससे हायर साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन है ना उनको इग्नोर मार दो। वो बेटा अभी मैंने 2 मिनट पहले भी बताया कि जो बाहर वाली शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो तो शील्डिंग करते ही नहीं, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होगा इंटरेस्ट का उससे जो हायर साइड इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो शील्डिंग नहीं करते, तो उनको हम मारेंगे इग्नोर। ठीक है, तो इसमें मतलब जो भी राइट साइड में होंगे, टू द राइट साइड इन द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में जो राइट हैंड साइड में होंगे ना रूल 1 के अकॉर्डिंग जो आपने कैटेगराइजेशन की है, तो उनको आप इग्नोर मार देना। क्यों इग्नोर मार दिया वो पॉइंट में लिख ही देती हूँ क्योंकि पता लगे आपको बाद में याद ही ना रहे ये क्यों छोड़ दिए थे हमने। एज दे डू नॉट शील्ड, एज दे डू नॉट शील्ड इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर ग्रुप्स, वो लोअर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करते, ठीक है, इसलिए हमने उन्हें इग्नोर मारा है। अब ये कहता है कि स्लेटर रूल क्या कहता है, स्लेटर रूल इज नाउ ब्रोकन इनटू 2 केसेस। हमने 2 केसेस अलग अलग कर दिए स्लेटर रूल के। 2 केसेस क्या अलग किए भाई, पहला केस ये कहता है कि द शील्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाय, शील्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाय एस और पी इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है या पी में है तो कैसे शील्डिंग निकालेंगे आप। इसके आगे सब पार्ट्स हैं। पहला ए पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मान लो 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग निकालनी है, तो जो बाकी 5 हैं, दे विल शील्ड 0.35 अमाउंट से। ठीक है, ये रूल सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन द 1s विच शील्ड 0.30। अगर आप 1s के केस में निकाल रहे हो ना, जैसे हीलियम के केस में, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 पे आप शील्डिंग निकाल रहे हो, दूसरा कितना शील्ड करेगा, 0.30। तो ये बस 1s के केस में एक्सेप्शन होती है और कहीं नहीं होती है। अब ये कहता है इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन विद इन द n-1, जो उससे नीचे वाला जो ग्रुप होगा, ठीक है, n-1 ग्रुप शील्ड 0.85, तो वो शील्डिंग लगाते हैं 0.85, और इलेक्ट्रॉन्स विद इन द n-2 और लोअर ग्रुप शील्ड 1.00। n-2 या उससे लोअर वाले ग्रुप में कितनी शील्डिंग होगी, 1। ठीक है, ये भी मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या बात हो रही है, 0.35, 0.851, ये अभी बहुत अच्छे से समझ आने वाला है आपको, पहले आप रूल पढ़ लीजिए। अब दूसरा रूल अलग से, हमने 2 केस कहा था ना, एक केस तो वो हो गया, दूसरा केस क्या कहता है बेटा, दूसरा केस कहता है कि द शील्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाय, अब हम डी और एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स के उनकी बात करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डी में है और एफ में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा रूल का, तो ये कहता है कि सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप शील्ड 0.35, सेम ग्रुप में तो शील्डिंग होगी 0.35, और उससे कम वाले में
जो था एस और पी के केस में क्या था, उससे कम वाले में 0.85 थी, लेकिन इसने आसान कर दिया। ये कहता है जो भी उससे नीचे वाला ग्रुप होगा ना, इलेक्ट्रॉन विद इन द लोअर ग्रुप, तो वो सीधा 1.0 शील्डिंग करेगा। लोअर ग्रुप शील्ड 1.0। ठीक है, एक बार ये जो रूल्स है ना इनके फटाफट समरी सी लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कंट्रीब्यूशन क्या होता है शील्डिंग का, कंट्रीब्यूशन ऑफ शील्डिंग, उसमें ये कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन है ना बेटा वो इस तरह से है। देखो ये आपका मान लो ग्रुप लिया हमने, हायर ग्रुप कितनी शील्डिंग करेगा, सेम ग्रुप कितनी शील्डिंग करेगा, एन माइनस वन ग्रुप कितनी शील्डिंग करेगा और n माइनस टू ग्रुप कितनी शील्डिंग करेगा। तो ये कहते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1s में है, 1s में हायर ग्रुप तो हमेशा ही जीरो शील्डिंग करेगा। सेम ग्रुप में मैंने एक्सेप्शन बताई थी आपको, अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो 0.30 शील्डिंग होगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन s या p ऑर्बिटल में है, हायर ग्रुप तो वही जीरो करेगा, सेम ग्रुप में 0.35 होगी, उससे एक कम n माइनस वन में 0.85 होगी, उससे एक और कम वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे 1.00। अगर आपका इलेक्ट्रॉन d या f में है, हायर ग्रुप जीरो करेगा, सेम ग्रुप 0.35 करेगा, लोअर कोई भी ग्रुप है तो 1.00 शील्डिंग करेगा। ठीक है, इस टेबल के हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे ये कहता है, जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन इसने दिया कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय 1s इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम। हीलियम में 1s में इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, तो बताते हैं भाई हम फटाफट सॉल्व करके। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हीलियम की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम आप लिख सकते हैं 1s2, क्योंकि दो है उसका एटॉमिक नंबर, है ना। तो देयर इज वन मोर 1s इलेक्ट्रॉन अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑन व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दो में से एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल ही रहे हो, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कितना बचा आपके पास, एक। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है, देखिए इस केस में 1s में जब एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो स्क्रीनिंग कितनी करता है, 0.30। तो फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूला वही रहेगा, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस s। यहाँ पे बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें निकालना है, एटॉमिक नंबर 2 है, शील्डिंग इस बार कितनी हो रही है, ये 0.30। तो ये आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 में से, आपका आंसर आ जाएगा 1.70। तो इस बार देखो एक्यूरेट पॉइंट में आंसर आ रहा है। ये सबसे लोअर ग्रुप के लिए था, एक और न्यूमेरिकल कराती हूँ ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब ये कहता है कि वट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, फेल्ट बाय अ 3d इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एटम। क्रोमियम के केस में 3d के किसी इलेक्ट्रॉन पे अगर आपने शील्डिंग निकालनी है तो क्या होगी, एटॉमिक नंबर भी वो बता रहा है क्रोमियम का 24 है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने पे आते हैं बेटा, तो कैलकुलेट करने के लिए ये कहता है कि इसने आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर तो 24 है, तो कॉन्फ़िगरेशन निकले, पहला रूल था कि 1s वालों को एक तरफ लिखो, 2s2p को एक साइड लिखो, ठीक है, 3s3p को एक साइड लिखो, 3d को एक साइड और 4s को एक साइड। तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, और p में होते हैं हमारे 6, 10 हो गए यहाँ तक, फिर 2, 6, 18 हो गए, 3d में 5
और 4s में 1 होते हैं, एक्सेप्शनल होती है क्रोमियम और कॉपर की, है ना। 3d5 वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा हो। तो ये कहता है कि हायर ग्रुप 3d का हमने निकालना है, 3d का हमने निकालना है, तो 4s बाहर वाली साइड है, तो ये तो कुछ बेचारे शील्डिंग करेगा ही नहीं। 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये कुछ नहीं कर रहा, ये कह रहा है भाई मुझे माफ कर दो मैं कुछ नहीं कह रहा, अंदर वाले शील्ड करेंगे। अंदर वाले जो शील्ड करेंगे बेटा, तो 3d का हम निकाल रहे हैं शील्डिंग, 3d में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से किसी एक पे हम निकाल रहे हैं, तो 4 बच गए ना। देयर आर 4 अदर 3d इलेक्ट्रॉन, तो 3d में 4 और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें, तो d के लिए क्या था बेटा कि सेम ग्रुप वाले करते हैं 0.35, तो सेम ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन और है, वो 4 कितना करेंगे, 4 into 0.35 प्लस उससे अंदर वाले सारे कितना करते हैं बाय अमाउंट 1। देखिए ये रूल था, उससे अंदर वाले सारे करेंगे बाय अमाउंट 1, तो उससे अंदर भाई कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 6, 2, 8, 8 और 8, 16 और 2, 18। तो ये हो गया 1 करते हैं अंदर वाले इनटू 18, तो आपका शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे शील्डिंग इफेक्ट। आपने फिर करना क्या है, Z इफेक्टिव के लिए Z जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज 24 माइनस शील्डिंग इफेक्ट, जो भी आपका मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आंसर आ रहा हो इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी है, अगर आप किसी और एटम का निकलवाना चाहते हैं, किसी और इलेक्ट्रॉन का निकलवाना चाहते हैं, तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। Thank you so much.